हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं थोड़े से पौधे वगैरह लाई थी तो मैं सोची आप लोगों से भी शेयर करूँ। और यहाँ पर देखिए हमारे थोड़े से पौधे, हालांकि इन पौधों का सीजन जा ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि इस बार तो शायद बहुत दिन तक ये हमारे गार्डन में नहीं रहेंगे, लेकिन जब ये फूल खिलेंगे और इसमें बीज बनेंगे तो वो बीज मैं कलेक्ट करके रख लूँगी, तो मुझे आने वाले साल बीज मिल जाएंगे और मैं उन्हीं बीज से फिर से पौधे लगा लूँगी, तो मुझे आने वाले साल अच्छे से पौधे मिल जाएंगे। तो चलिए मैं पौधे दिखाती हूँ और उसका प्राइस भी बताऊँगी कि कौन से पौधे मैंने किस प्राइस पे लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये है, मैं मेरी गोल्ड का पौधा दो लेकर आई हूँ और ये मुझे उन्होंने 10 रुपीज़ करके दिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे पौधे में फूल खिलते हैं तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैंने दो मैरीगोल्ड के पौधे लिए हैं, मेरे पास नहीं था। और यहाँ पर देखिए मैंने दो ही पिटोनिया के भी पौधे लिए हैं और देखिए इसमें काफ़ी अच्छा फूल आ रहा है। तो ये भी उन्होंने मुझे 15 रुपीज़ करके दिया है, मुझे 20 बोल रहे थे लेकिन मैंने बोला तो उन्होंने कम करके दिया है। और ये मैं ली हूँ, ये है हमारा गजानिया का पौधा और देखिए दोनों का कलर बहुत ही सुंदर है। इसमें कल नहीं खिला हुआ था फिर भी मैं ले ली और मुझे देखने में ही लग रहा था कि दूसरा कलर है। और यहाँ पर ये भी कलर बहुत सुंदर है। तो इसका दाम मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने 40 रुपीज़ या 35 रुपीज़ में मुझे दिया है। और ये डॉग फ्लावर है और यहाँ पर देखिए मैंने 3 पैंसी का प्लांट लिया है तो इस तरह से। और देखिए तीनों अलग अलग कलर है और यहाँ पे तो अभी तो शायद सीजन जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लाई हूँ कि अगर इस बार मैं ले लेती हूँ तो नेक्स्ट ईयर मुझे इसके बीज ज़रूर मिल जाएंगे। और मुझे थोड़ा गार्डन भी तैयार करना था तो तैयार किया और मुझे जगह मिला तो मैं ले आई हूँ। और यहाँ पर देखिए दो मैंने कैलेंडुला के फूल के पौधे लिए हैं और अभी दोनों अलग डिफरेंट कलर का है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये पूरे साल ही रहते हैं हमारे गार्डन में, भले ही नहीं खिलते हैं और नहीं भी होंगे तो कम से कम मुझे बीज तो इनसे मिल जाएगा। और ये मैंने लिया है एक जेरेनियम का पौधा है 2 ठो, तो कलर तो दोनों में नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है किसका क्या कलर होगा, लेकिन देखिए इसके पत्ते थोड़े से डिफरेंट हैं और इसके पत्ते थोड़े से डिफरेंट है, तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि अलग अलग इसमें फूल खिले, तो मैं 2 ले आई हूँ। अब जब फूल खिलेगा इसमें तो पता चलेगा। और देखिए बर्ड्स यहाँ पे बन ही रहे हैं तो जल्दी मुझे लगता है खिल जाएगा। और ये भी लगता है कि पूरे साल ही गार्डन में रहते हैं तो इसलिए मैं ले आई हूँ। और एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर एक डॉग फ्लावर मैंने लिया है तो ये भी मुझे नहीं, इसका दाम मुझे नहीं पता। और देखिए यहाँ बस इसकी ब्रांच कट गई थी तो मैंने क्या किया, इसे इस तरह से उसकी कटिंग लगा ली है, तो अब देखती हूँ कि ये हो पाएगा कि नहीं। ऐसे कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है और मैं ला रही थी तो तभी इससे कट गया यहाँ पर। देखिए अभी तो कली वगैरह नहीं बनी हुई है लेकिन क्या होगा देखती हूँ मैं। तो इन सब इतने सारे प्लांट का मुझे उन्होंने 330 रुपीज़ लिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये शॉपिंग वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैंने प्लांट कैसे सस्ते लिए या महंगे लिए ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, इससे हमें भी जानकारी होती है कि किस चीज़ का कैसा दाम होना चाहिए और मैं ज़्यादा मिली हूँ या कम मिली हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।